सो आपको अगर अपने जॉयस्टिक या वायर्ड जॉयस्टिक को कनेक्ट करना है अपने मोबाइल से पबजी खेलने के लिए, कोई भी कैसा भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के लिए और या फीफा खेलने के लिए, आपको तीन चीज़ें चाहिए। फर्स्ट आपका फ़ोन, ये OTG किसी भी दुकान में मिल जाएगी 30 रुपये की। साथ ही साथ आपको अपनी जॉयस्टिक वायर्ड हो या ब्लूटूथ आपका मतलब नहीं, तो इसके लिए आपको एक और ऐप चाहिए, USB JoyMe, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो इसको खोल लो, जितना खोलते तब हम अपने वायर को OTG से कनेक्ट कर लेते हैं। ये वायर है, इसको आपको अपनी OTG से लगा लेना है और जहाँ पे चार्जर लगाते हैं वहीं पे इसको लगा लेना। अगर आपकी टाइप सी तो टाइप सी OTG लाना, टाइप नॉर्मल वाली है तो नॉर्मल। कनेक्ट हो गया, साथ ही साथ आपको ना यहाँ पे IME बटन दिख रहा है, इसको ऑन कर लेना। आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा, चिंता मत करना, बाद में आप ऑफ कर सकते हो कीबोर्ड चलाने के लिए। जैसे ये ऑन हुए तब यहाँ पे ऊपर से बड़ा बटन दबा दो, ध्यान रखना इसका ऐड आ गया। अब ओके दबा दो और ये ऐड क्रॉस कर दो। ध्यान रखना जब भी आप कनेक्ट करो तो नीचे वाला बटन ऑन नहीं, ऊपर वाले बटन ऑन है। जब इसको कनेक्ट हो गई तो ये कनेक्ट हो चुकी है। अब देख सकते हो आप जॉयस्टिक में लाइट ऑन हो जाएगी, लाइट ऑन हो गई जॉयस्टिक के अंदर, आप इसे जॉयस्टिक चला सकते हो। अब कंट्रोल सेट करने हैं हमको कि कौन सा कंट्रोल कब क्या काम करेगा। अब मान लो आप पबजी खेले हो तो W पे आपको, अगर मान लो W है तो W ढूंढो इसके अंदर सारे कीबोर्ड के इसके अंदर अल्फ़ाबेट से। अब जैसे ये W है, W ये है, अब W पे आपको आगे से चलाना है तो आगे से कर दूँ, तो जब भी पबजी खेलोगे तो आगे से चलेगा। इससे सारे कंट्रोल सेट करना है, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा थोड़ी देर में, आप लिंक दे दूंगा आपको वीडियो का, अगली वीडियो कंट्रोल्स कैसे सेट करने हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।